तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको 3D एनिमेटेड गेमिंग ओवरले बनाना सिखाऊंगा, सेम जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है और अपने गेमिंग चैनल के लिए एक एनिमेटेड ओवरले बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ऑलराइट, तो गेमिंग ओवरले बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप का ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ कोने में 3 डॉट वाले लाइन पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करना है। देन कस्टम पे टैप करके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ये हमारा साइज होगा ओवरले का। इसके बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, शेप्स पे क्लिक करना है और इस स्क्वायर बॉक्स को आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में चेंज कर लेना है। कुछ इस तरीके से करने के बाद आपको इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ प्लेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में ड्रैग करना है और यहाँ से इसके कलर को ब्लैक करना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पिक्सल लैब के अंदर हम गेमिंग ओवरले के लिए टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और आपको डिवाइस की गैलरी से ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और इन्हें बारी बारी से जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से इसे एक्सटेंड करके जो ब्लैक कलर का पट्टी है इसके ऊपर प्लेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, ऑपेसिटी पे टैप करके हमें इसकी ऑपेसिटी को 35 कर लेना है। आप 30-40 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 35 कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक करना है, फिर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इस बार फिर से हम एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस बार ये कुछ इस तरीके से स्टार डस्ट टाइप का एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक करना है। देन आपको इसे भी बड़ा करके हमें इनके ऊपर ओवरलैप कर देना है, यानी इसके ऊपर प्लेस कर देना है। इसकी भी ऑपेसिटी को आपको यहाँ से कम करके 30-35 कर लेना है। ऐसे ही फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से इस बार हम एक शेडो ऐड करेंगे, स्मोकी शेडो, ये येलो कलर का है। इसको सेलेक्ट करके सिंपली आपको इसे भी बड़ा करके यहाँ इसके ऊपर प्लेस कर देना है। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने चैनल का डिटेल ऐड करेंगे टेक्स्ट के फॉर्म में। तो इसके लिए फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस बार जो न्यू टेक्स्ट का बॉक्स ऐड होगा इस पे डबल टैप करके आपके चैनल का जो भी नेम है वो आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि आज मैं एसपी गेम से बनाया हूँ तो यहाँ पे एसपी गेम टाइप कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ डन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, फिर हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके माई फॉन्ट के सेक्शन में आना है और यहाँ से आज जो हम फॉन्ट यूज करने वाले हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस फॉन्ट का नाम है अमेरिकन कैप्टन, इसे सेलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। वेल, फॉन्ट चेंज हो चुका है, अब हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे। सो कलर को चेंज करने के लिए इसी ए वाले आइकन पे आपको ऊपर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, टैप करना है, ग्रेडियंट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ हमें कलर बनाना है। जैसे कि यहाँ दो एंड दे रखे हैं तो पहले वाले एंड पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ कलर पे टैप करना है और यहाँ से आपको इसे वाइट कर लेना है। देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सेकेंड वाले एंड को हमें येलो करना है तो इस पे टैप करना है। देन आपको फिर से कलर पे टैप करना है और यहाँ से इस डिस्क पे हमें येलो साइड ले जाना है इस डॉट को और यहाँ येलो कलर कर लेना है। देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से शेड बन जाएगा। तो यहाँ से हमें व्हाइट वाले सेक्शन को थोड़ा सा ड्रैग करके इधर सेंटर में ला देना है ताकि हमारा शेडो जो है वो नीचे की तरफ रहे येलोइस। ओके पे क्लिक करना है और ये जो हमारा नेम डिजाइन हुआ है इसको ड्रैग करके यहाँ पट्टी के ऊपर प्लेस कर देना है। इसके बाद गाइज हम इसके पीछे शेडो डालेंगे। सो इसके लिए सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ शेडो पे क्लिक करना है, इनेबल करना है इसे और यहाँ पे जो हम शेडो ऐड करेंगे इसकी ओपेसिटी को कम करके हम 55 कर लेंगे और ब्लर रेडियस को 13 कर लेंगे। देन आपको यहाँ से कलर को येलो कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर इसके पीछे शेडो का ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अपने सोशल मीडिया हैंडल के कुछ डिटेल ऐड करेंगे जैसे यूट्यूब और इंस्टा के लिए। तो बारी बारी से जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको ऐड कर लेना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ गैलरी से बारी बारी से जो यूट्यूब और इंस्टा का आइकन दिख रहा है वो ऐड करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ से इंस्टा का आइकन ऐड करता हूँ, राइट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको छोटा करके आपको राइट साइड में यहाँ प्लेस कर देना है। ऐसे ही आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके हमें यूट्यूब का भी यहाँ से आइकन ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना इंस्टा और यूट्यूब का हैंडल ऐड कर लेना है। डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और हमें इस फॉन्ट को भी चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आना है, ए बी फॉन्ट पे क्लिक करना है, फॉन्ट पे टैप करना है
और यहाँ से जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ये सारे फॉन्ट सारे एलिमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस फॉन्ट का नाम है बर्बैंक बिग। यहाँ से सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है, स्पेसिंग पे क्लिक करके यहाँ हमें इनके लेटर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना है। इसके बाद गाइस जिसके पीछे भी हमें शेडो क्रिएट करना है, तो यहाँ शेडो पे टैप करके सिंपली आपको इसे इनेबल करना है। यहाँ से आपको येलो कलर सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को आपको यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर लेना है। वेल, यहाँ पे जो हमारा गेमिंग ओवरले का टेम्पलेट है वो ऑलमोस्ट डिजाइन हो चुका है। अब बारी है हमें इसके फाइल को सेव करने का, तो यहाँ पे हम बारी बारी से सारे एलिमेंट को सेव करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेयर पे टैप करके यहाँ से ये जितने भी हमने टेक्स्ट ऐड किए इन सभी को आपको हाइड कर लेना है, जैसे कि नेम और जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इन सभी को हाइड करने के बाद यहाँ पे जो फाइल बचा हुआ है आप देख सकते हो, ये लेयर जो बॉर्डर पे बचा हुआ है इसी को हमें सेव करना है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट कर लेना है। देन आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ डायमेंशन में कस्टम दिखेगा, यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। ऐसे ही आपको फिर से यहाँ लेयर पे टैप करना है, इस बार हमें इन बॉर्डर्स को जो नीचे है इसको हाइड कर लेना है और सिर्फ अपने नेम को सेव करना है। तो यहाँ पे नेम सिर्फ हमारा आ गया है। फाइनली हमें फिर से लेयर पे टैप करके यहाँ से इस बार हम नेम को हाइड करेंगे और इन सोशल मीडिया आइकन्स और हैंडल्स को ओपन करके यहाँ से इसे भी हम सेव कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम बारी बारी से तीन अलग अलग फाइल ट्रांसपेरेंट मोड में यानी PNG फॉर्मेट में सेव कर लिए। अब बारी है हमें सेकेंड स्टेप का, यानी कि हम अब इसे एनिमेट करेंगे। इसके बाद गाइस गेमिंग ओवरले को एनिमेट करने के लिए यहाँ पे हम एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं जिसका नाम इनसॉर्ट है। इसे आप डाउनलोड करके ओपन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। देन आपको यहाँ वीडियो पे टैप करके न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ फोटो वाले सेक्शन में हम एक ग्रीन कलर ऐड करेंगे, ग्रीन पिक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वेल, यहां से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके सिंपली आपको राइट पे क्लिक करना है और यहां टाइमलाइन में इसे सेलेक्ट करके इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके अराउंड 13 सेकंड तक आपको कर लेना है। इसके बाद आपको इस प्लेयर को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है, PIP पे क्लिक करना है और इस बार गाइस जो हमने अभी पिक्सल लैब से बहुत सारे पिक्चर्स ऐड किए थे, सेव किए थे, वो बारी बारी से हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन जो हमारा ओवरले का पिक्चर है वो सेलेक्ट करेंगे। देन आपको इसे यहाँ फुल स्क्रीन पे करके हमें इसकी भी लेंथ को वीडियो के लेंथ के बराबर करना है। सो यहाँ एरो पे टैप करके वीडियो एंड सेलेक्ट करना है, इससे आपका फुल लेंथ तक हो जाएगा। देन आपको इस प्लेहेड को 0.5 सेकंड पे लाना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ PIP पे क्लिक करना है और इस बार आपको अपने चैनल का नेम वाला जो पिक्चर सेव किए थे उसको सेलेक्ट करना है, इसे भी फुल स्क्रीन पे करना है। ये फुल स्क्रीन पे करने के साथ ही लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में एरो पे क्लिक करके यहाँ वीडियो एंड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहीं पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे प्लेहेड को लाना है, फिर से आपको PIP पे क्लिक करना है और इस बार जो सोशल मीडिया का हमने हैंडल ऐड किया था विद लोगो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसे भी हमें यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है। इसे भी यहाँ एरो पे टैप करके वीडियो एंड सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये वीडियो के लास्ट तक चला जाए। अब बारी बारी से हम इन दोनों टेक्स्ट के अंदर जो हमने नेम ऐड किया है और इंस्टाग्राम यूट्यूब का आइकन ऐड किया है इनको एनिमेट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टा और जो यूट्यूब का आइकन है इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करके यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा स्विंग राइट करके, ये आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपको यहाँ से अपने नेम को सेलेक्ट करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ राइट साइड में आना है और यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा रिपल करके, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एनिमेशन आप अपनी चॉइस का भी ले सकते हैं। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। वेल, यहाँ पे हमने नेम ऐड कर लिया, इंस्टा और यूट्यूब का हैंडल ऐड कर लिया। अब बारी है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को ऐड करने की। तो इसके लिए इस प्लेहेड को इस बार हम स्टार्टिंग में लाएंगे। देन आपको फिर से यहाँ PIP पे टैप करके इस बार हम वीडियो फॉर्म में एक आइकन को ऐड करेंगे। तो यहाँ से इस वाले कैरेक्टर को आपको सेलेक्ट करना है, बड़ा करना है और इसे ड्रैग करके यहाँ कुछ इस वाले पॉइंट पे प्लेस कर देना है। इसके बाद गाइस जिसके पीछे आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा जिसे कि हमें रिमूव करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में करना है, कटआउट पे क्लिक करके क्रोमा पे क्लिक करना है और ये जो डिस्क है इसको ग्रीन कलर पे मूव करना है। जैसे ही आप ग्रीन कलर पे मूव करेंगे ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा, बट इसको अच्छे से रिमूव करने के लिए यहाँ से स्ट्रेंथ को बढ़ा के 100 कर लेना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर ऐड हो चुका है, बट ये कैरेक्टर का जो लेंथ है वो वीडियो क्लिप के एंड तक नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ राइट साइड में आना है और यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है। अब ये वीडियो के लास्ट तक आ जाएगा। एक्स्ट्रा पोर्शन को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं या फिर रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस एक काम आपको करना है।
जैसे कि ये जो हम एनिमेशन बनाए हैं इसके स्टार्टिंग में ही जो हमारा नेम और इंस्टाग्राम का हैंडल है वो एनिमेट हो रहा है, उसके बाद वो रुक जा रहा है, एनिमेट नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में आप दो तीन जगह इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ दूरी पे इस प्लेहेड को लाना है और यहाँ से आपको अपने नेम को सेलेक्ट करना है और यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है। ऐसे ही आपको जो आपका YouTube का हैंडल है और Instagram का, उस फाइल को सेलेक्ट करके स्प्लिट कर लेना है। अब ये दो टुकड़ों में बट गया और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका ये दोबारा से एनिमेट हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिर से एनिमेट होने लगा। ऐसे ही नेम को सेलेक्ट करके एनिमेशन पर टैप करके आप नेम वाले मतलब वो टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही बारी बारी से बीच में स्प्लिट करके और इस तरीके से एनिमेशन ऐड कर लेना है जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है वो थ्रू आउट द वीडियो एनिमेट होता रहे। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक करके कोने में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ रेजोल्यूशन में आप जिस भी रेजोल्यूशन में चाहें इस इंट्रो को सेव कर सकते हैं, इस एनिमेशन को। यहाँ 4K तक का आपको ऑप्शन मिलता है, देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस आई होप कि अब आप भी अपने गेमिंग चैनल के लिए प्रोफेशनल सा 3D एनिमेटेड ओवरले बनाना सीख गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है इस ट्यूटोरियल से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने YouTube या सोशल मीडिया के लिए लोगो, इंट्रो, आउट्रो, बैनर या फिर ओवरले डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर नया चैनल ओपन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले है, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।